हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी जो हम आज बना रहे हैं पेस्ट्री, और वो भी बिस्किट से। बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट का एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। आपको क्रीम निकाल के रखना है, मैंने पहले से निकाल के रखा था। यहाँ पर हाफ कप मिल्क का यूज़ करेंगे, टोटल हाफ कप का मिल्क ही यूज़ किया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने केक मोल्ड लिया है, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं या एक पैन हो उसमें भी बना सकते हैं। हाफ पैकेट इनो यूज़ किया है मैंने, इसमें इनफ है हाफ पैकेट इनो, इससे ज़्यादा मत ऐड करिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और केक मोल्ड में डाल देंगे। मिक्सचर को अच्छे से टैप कर देंगे सो इसमें कोई बबल्स नहीं रहेंगे। मैंने प्री हीट पैन में केक मोल्ड को रख दिया है। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक केक तैयार होता है। मैं यहाँ पे एक क्रीम टेक्सचर कॉफ़ी से बनाएंगे, जो कि डालगोना कॉफ़ी बोल रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो उसी के हम क्रीम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच शुगर, 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 2 चम्मच मिल्क लिया है। इसको अच्छे से फेंटना है, तब तक कि आपका क्रीमी टेक्सचर बन के ना आ जाए, जैसे कि ये दिख रहा है एकदम क्रीमी। आपका मशीन है तो मशीन यूज़ कर सकते हैं या मिक्सर जार में भी कर सकते हैं, मैंने पूरा हाथ से ही किया है अभी। और मिक्सर तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो बिस्किट्स की क्रीम है उसमें आप हाफ कॉफ़ी पाउडर सॉरी कॉफ़ी मिक्सचर ऐड कर दीजिए, और ये डेकोरेटिंग के लिए यूज़ करेंगे हम इसको। और काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर बन के तैयार हो गया ये, और काफ़ी डिलीशियस भी होता है, काफ़ी टेस्टी होता है ये, और बहुत ईजी। आपने देखा, बिना इफ़र्ट के बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हमारा केक भी बन के तैयार हो गया है, ये देखिए बहुत बढ़िया सा यमी सा ऐसा केक एकदम परफेक्ट कुक्ड हुआ है। ये देखिए बहुत बढ़िया सा केक बन के तैयार हुआ है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम इसकी पेस्ट्री बना रहे हैं। आप इसे केक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिंग करके कोई क्रीम डाल दीजिए और या चॉकलेट इसके ऊपर, और तैयार हो जाएगा आपका केक। और इसके ऊपर मैंने कॉफ़ी को स्प्रेड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक डेकोरेटिंग पाइप लिया है, उसमें मैं जो क्रीमी बिस्किट था उसका मिक्सचर डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा फूल बना दूँगी। ये देखिए क्रीम थोड़ा सा कम है, तो एक फूल तो थोड़ा परफेक्ट कुक हो गया है और दूसरा थोड़ा सा छोटा बन के तैयार हुआ है, क्योंकि क्रीम थोड़ा कम पड़ गई है, पर कोई नहीं, रेडी हो गया है। ये मैंने आज 2 केक बनाए, एक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और एक मैंने ये पेस्ट्री तैयार की है। दिस इज़ माई बर्थडे पेस्ट्री। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।